शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र विषय के भाग 9 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। ध्यान रहे, किशोर अधिगमकर्ता के प्रबंधन इकाई 4, इस विषय को हमने भाग 8 से प्रारंभ किया था। भाग 8 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की अवधारणा के विषय में। इसी के साथ भाग 9 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कुसमायोजन तथा शिक्षक एवं बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के विषय में। यदि आपने इन भागों को नहीं देखा है तो इन भागों के अध्ययन के लिए इनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इन भाग का अध्ययन कर सकते हैं। आज भाग 10 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ और इस टॉपिक के अंतर्गत इकाई 4 किशोर अधिगमकर्ता के प्रबंधन के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के विषय में। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बिंदु है वो है मानसिक असंतुलन, मेंटल डिस्टरबेंस। मेंटल डिस्टरबेंस दो प्रकार से हो सकता है। इनमें एक तो स्नायु संबंधी असंतुलन जिसे न्यूरोसिस, और दूसरा है मनोविक्षिप्ति जिसे साइकोसिस बोलते हैं। ध्यान रहे, मेंटल डिस्टरबेंस दो ही है, न्यूरोसिस और साइकोसिस। अब इनमें न्यूरोसिस क्या है, स्नायु असंतुलन क्या है? ध्यान रहे, स्नायु जो असंतुलन है, स्नायु जो असंतुलन है ये थोड़ा कम गंभीर होता है और इसमें व्यक्ति वास्तविकता से भी जुड़ा रहता है। जैसे इसमें यदि हम देखें तो चिंता संबंधी जो असंतुलन है ये एक प्रकार का स्नायु असंतुलन है। इनमें इस स्नायु संबंधी जो असंतुलन है इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उनको एक नजर में हम देख लेते हैं। स्नायु संबंधी असंतुलन जब किसी व्यक्ति में होता है तो उसमें थकान आना स्वाभाविक है, चक्कर आना, सांस फूलना, हृदय का तेज धड़कना, बार बार मूत्र आना, बेचैनी, तनाव, ये सभी स्नायु संबंधी असंतुलन के लक्षण हैं। इसी प्रकार यदि हम मनोविक्षिप्ति यदि साइकोसिस को देखें तो साइकोसिस इससे कुछ ज्यादा गंभीर है और साइकोसिस में व्यक्ति वास्तविकता से भी काफी दूर हो जाता है। साइकोसिस के यदि हम प्रकारों की बात करें तो मनोविक्षिप्ति के प्रकारों में दृष्टि भ्रम होना, मति भ्रम होना, विचारों में विकार होना और अंतर्दृष्टि का अभाव, ये कुछ लक्षण है मनोविक्षिप्ति के। अब मति भ्रम या दृष्टि भ्रम क्या है? बाह्य प्रेरकों की अनुपस्थिति में भी इंद्रियों की अनुभूति होना, अर्थात जो कोई चीज सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज सामने दिखाई दे जाए, यही दृष्टि भ्रम या मति भ्रम कहलाता है। कार्ल जास्पर जो मनोविज्ञानी है उन्होंने भ्रम को प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार से विभाजित किया है। ध्यान रखना, मनोविक्षिप्ति का सबसे कष्टदायक पक्ष ये अंतर्दृष्टि का अभाव है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ही अजीब परिवर्तन होने लग जाते हैं। अब मनोविक्षिप्ति जो है ये साइकोसिस के कारण क्या है? साइकोसिस के कारण है नींद में कमी आना, मनोविदलता, उन्मादग्रस्तता, मिर्गी या फिर अवसाद। ध्यान रहे, मनोविदलता जो है साइकोसिजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, इस रोग में व्यक्ति वास्तविकता और काल्पनिक दोनों संसारों में कोई भेद नहीं कर पाता है, यही मनोविदलता है। मानसिक असंतुलन इस टॉपिक से एक प्रश्न परीक्षा में आना संभावित है, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। अब हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट को, समायोजन। समायोजन है क्या? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाता है, इसे ही समायोजन कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति अपने विकास, अपनी उन्नति, अपने डेवलपमेंट के लिए वो किसी भी परिस्थिति से अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। इस संबंध में गेट्स की परिभाषा को हम देख लेते हैं। मनोविज्ञानी गेट्स ने कहा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है, यह मानना है मनोविज्ञानी गेट्स का। अब समायोजन की हम विशेषताओं को देख लेते हैं कि समायोजन की क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इनमें समायोजित जो व्यक्ति होता है वो साहसी होता है, सामाजिक होता है,
उसमें संवेगात्मक स्थिरता भी पाई जाती है और सुख सुख और संतुष्ट होता है। वो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ में वो अनुकूल आचरण करता है, दायित्वपूर्ण व्यवहार निभाता है और वह पर्यावरण और परिस्थिति से हमेशा लाभ प्राप्त करता है। ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। समायोजन के बाद में अब हम चलते हैं भग्नाशय या फ्रस्ट्रेशन की ओर कि भग्नाशय क्या है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं के मार्ग में आई जो बाधा है, रुकावट है, उसको हटा नहीं पाता है तो भग्नाशय का शिकार हो जाता है। इस संबंध में मनोविज्ञानी गुड का मानना है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला जो संवेगात्मक तनाव है वो भग्नाशय कहलाता है। ये मानना है गुड का। भग्नाशय दो प्रकार की हो सकती है, एक तो बाह्य भग्नाशय और एक आंतरिक भग्नाशय। भग्नाशय की दशा में व्यक्ति निम्न चार प्रकार के व्यवहार को अपना सकता है। इनमें वो आक्रमणकारी हो सकता है, या फिर वो आत्मसमर्पण कर सकता है, या फिर वो एकांतवासी हो सकता है, या फिर किसी रोग से ग्रस्त होने का वो विचार करने लग जाता है। ये भग्नाशय के लक्षण है। भग्नाशय से ग्रस्त व्यक्ति इन चारों में से किसी भी एक व्यवहार को अपना सकता है। अब भग्नाशय होने के कारण क्या हो सकते हैं, भग्नाशय से ग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार से होता है, एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है? तो भौतिक वातावरण, बाढ़, भूचाल, फसल नष्ट होना, इस प्रकार का यदि कोई नुकसान हो तो व्यक्ति भग्नाशय का शिकार हो सकता है। सामाजिक वातावरण भी व्यक्ति को भग्नाशय की ओर ले जा सकता है। यदि सामाजिक वातावरण में उसे अपने अनुकूल व्यवहार महसूस नहीं होता है तो भग्नाशयग्रस्त हो जाता है। इसी के साथ में नैतिक आदर्श, आर्थिक कठिनाई, विरोधी इच्छाएं, शारीरिक दोष, ये कुछ कारण भी ऐसे हैं जो व्यक्ति को भग्नाशय की ओर ले जा सकते हैं। अब हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना दे देते हैं कि बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं जिनके अंतर्गत उन्हें हमारी प्रत्येक वीडियो सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाती। हमें आपकी सूचना के लिए बता दें कि ज्ञानधर आरसोली चैनल के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वीडियोज सभी फर्स्ट ग्रेड अध्यापक श्रेणी जो कि जो भी विषय संबंधित वीडियो है उनको हम पार्ट वाइज बना रहे हैं, जिनमें एक सिलेबस या पाठ्यक्रम के अनुकूल वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आपको इनको देखना कैसे, इसकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट के अनुसार डाल दिया। सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और उनको देखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने यूट्यूब ब्राउजर में जैसे आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। इस डिस्क्रिप्शन मिलेगा कहाँ, ये आपको ऊपर ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर, इस चिन्ह पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट ऑल नाम से एक टैब दिखाई देगा। इसको, इसके नीचे आपको हमारी सभी विषय के अनुसार वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी, जहाँ से जाकर के आप हमारी वीडियोज देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक, तनाव की ओर, टेंशन की। तनाव क्या है, व्यक्ति की शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा जो उसमें असंतुलन उत्तेजना उत्पन्न कर देता है और जिससे व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है, इसे ही हम तनाव कहते हैं। ये तनाव की परिभाषा है। ये परिभाषाएं भी परीक्षा दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे एक प्रश्न या तो परिभाषाओं से बन सकता है या इनसे संबंधित कोई मनोवैज्ञानिक की जो कोटेशन है वो भी इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक गेट्स की है। तनाव को दो प्रकार से कम किया जा सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि है। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियों की ओर यदि हम देखें तो इनमें अन्य उपाय खोजना, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विरोधी लक्ष्य इच्छाओं में एक का चुनाव करना या बाधा का निवारण, वे सभी विधियां प्रत्यक्ष विधियां हैं जो तनाव को कम कर सकती है। अब हम एक नजर डाल लेते हैं तनाव को कम करने वाली अप्रत्यक्ष विधियों के विषय में। इनमें निर्भरता और चित्त स्थापन, पृथक्करण और दमन, ये वे विधियां हैं, अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिनसे तनाव को कम किया जा सकता है। इन्हीं के साथ में प्रत्यावर्तन, प्रक्षेपण, द्विवा स्वप्न, क्षतिपूर्ति, आत्मनिकरण, ये नौ के नौ अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिनसे तनाव कम किया जा सकता है। ये नौ में, इन नौ से भी प्रसन्न बनना सुनिश्चित है, इसलिए इनका अध्ययन भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देख लेते हैं संघर्ष को। संघर्ष क्या है, विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करना, यही संघर्ष है। संघर्ष का जो मुख्य आधार है वो है उचित और अनुचित का विचार करना। जब व्यक्ति उचित और अनुचित का विचार करता है तो इसमें संघर्ष उत्पन्न होता है।
संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को अपने वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके स्वयं के हितों और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है, तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह परिभाषा है क्रोण क्रो की, क्रोण क्रो का ऐसा मानना है। यह परिभाषा प्रत्यक्ष दृष्टा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। फ्रायड के अनुसार मानसिक द्वंद कब उत्पन्न होता है? ऐसा फ्रायड मनोवैज्ञानिक का मानना है, फ्रायड का मानना है कि जब ईगो और सुपर ईगो इन तीनों में सामंजस्य का अभाव उत्पन्न हो जाए तो उस समय मानसिक द्वंद उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष किस कारण से हो सकता है? समय कम होना, अनेक विकल्पों में से एक को चुनना, या फिर लक्ष्य प्राप्ति के बाद अगले लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो पाना, ये सभी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। आज भाग 10 के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जिनके अंतर्गत मानसिक असंतुलन, समायोजन, भग्नाशा, तनाव और इसी के साथ में संघर्ष का अध्ययन किया। भाग 11 के अंतर्गत हम इस इकाई 4 किशोर अधिगमकर्ता के प्रबंधन को समाप्त कर देंगे, जिसमें हमें बुद्धि, उसकी विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कुछ सिद्धांत और इसी के साथ में निर्देशन, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगा हुआ, उसका अध्ययन भाग 11 के अंतर्गत हम करेंगे। इसलिए नियमित तैयारी हेतु जुड़े रहिए हमारे ज्ञानधारा और सोली के चैनल के साथ में। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।